इन तमाम लोगों को जिनका पहला प्रयास है, और ये मुझे देख के लग रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म बनाई होगी इन लोगों ने। मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, मेरी दुआएं हैं कि फिल्म चले, क्योंकि जब ऐसी फिल्में चलती हैं तो बहुत सारे नए लोग इंडस्ट्री में आते हैं और इंडस्ट्री में एक नए काम की शुरुआत होती है। तो मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ, दिल से बधाई देता हूँ इन लोगों को। सर म्यूजिक की बात करो, सर न्यू कमर म्यूजिक में कितना क्या नया करते हैं आप? बेटा देखो, अभी म्यूजिक मैं सुनूंगा, अभी तक तो मैंने म्यूजिक सुना नहीं है, बट इसके म्यूजिक डायरेक्टर नए म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इससे मैं पहले मिल चुका हूं, मगर मुझे लग रहा है कि आजकल नए लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और ऐसी फिल्मों में म्यूजिक के अच्छे होने की बहुत सारी संभावना होती है, क्योंकि मुझे जो नाम है फिल्म का हिल व्यू विला, तो इसमें कहीं ना कहीं एक थ्रिलर फिल्म का फील मुझे लग रहा है, और ऐसी फिल्मों का म्यूजिक बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा हंटिंग, बड़ा डिफरेंट म्यूजिक हो सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि म्यूजिक अच्छा होगा और चलेगा, मेरी सारी दुआएं हैं इनके साथ। सर आप कुछ बताना चाहेंगे, आज फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ है, कब तक ये फिल्म आ जाएगी? टेंटेटिव डेट हमारी जुलाई है और 6 जुलाई को हम इस फिल्म को ऑल इंडिया रिलीज करेंगे, और कोशिश अभी जारी है कि अच्छे से फिल्म को हम रिलीज करें, और आप लोगों को आह्वान करते हैं कि इस फिल्म को थिएटर में जाके देखें। म्यूजिक वास्तव में लाजवाब बनाया है सौरभ ने, और ऊपर से समीर साहब का आशीर्वाद मिला है, तो निश्चित रूप से फिल्म हमारी अच्छी ही जाएगी। सर गीत संगीत की जो बात आती है, तो समीर साहब को जरूर लोग याद करते हैं, आज आपके मौके पे भी आए हैं समीर साहब, तो क्या कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा समीर साहब से? मुझे बहुत सारी संभावनाएं हैं, नए लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा ही होगा। आपको लगता है कि जिस तरह से नए नए टैलेंट आ रहे हैं, आपको लगता है कि बॉलीवुड में सिंगर सही तरह से चल रहा है, आजकल आर्टिस्ट भी सिंगिंग कर रहे हैं, आपको लगता है कि दोनों ही काम करना, बेटा पहले मैगडी नहीं था ना हिंदुस्तान में, मगर आ गया ना, चल ही रहा है और इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से चल रही है, ऐसा तो नहीं कि इंडस्ट्री रुक गई है। तो परिवर्तन तो होता रहेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन होना, एक्टर लिखें एक्ट्रेसेस लिखें उसमें कोई बुराई नहीं है, बट अच्छा काम होना चाहिए। और मैं बहुत आशान्वित रहता हूँ इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री डे बाई डे प्रोग्रेस कर रही है, काम अच्छा हो रहा है, अच्छी फिल्में बन रही हैं, तो डेफिनेटली उसमें कोई बुरी बात नहीं है, सबको लिखना चाहिए, सबको काम करना चाहिए, बट एक ही शर्त होनी चाहिए कि अच्छा होना चाहिए। जो गुजर गया वो तो कभी आता नहीं, इसमें कोई मगर उसका स्वरूप बदल जाता है, और कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग जरूर है। मुझे लगता है कि जो नई पीढ़ी है उसको काम करने की जो पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी बंदिश में, किसी न किसी प्रेशर में लोग काम कर रहे हैं, इसलिए जो बेहतर काम खुल के करना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहे हैं। और ज़्यादा ध्यान आजकल म्यूजिक पे दिया जा रहा है, शायरी पे नहीं, पोइट्री पे नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से लोग चाह रहे हैं कि पुरानी मेलोडी जो है, पुराने वर्ड्स जो हैं वो आएँ, मगर उसको एक नया रंग रूप दिया जाए, इसलिए नया क्रिएट की जा रहा है। मगर ये भी बहुत लंबा चलेगा नहीं, इसका भी कोई नया रूप आएगा, फिर जो अच्छे गाने आएंगे। मगर अब तुम बोलो कि 90s का टाइम आ जाए, 60s का टाइम आ जाए, तो यही बात होगी कि अब कहो कि दिलीप कुमार फिर से आके यंग हीरो का रोल करें, वो तो नहीं हो सकता। बात करें क्या कहानी क्या फिल्म? ये एक क्राइम थ्रिलर है, या कह सकते हैं रोमांटिक क्राइम थ्रिलर है, जो मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं पर आधारित है, जो आप लोगों के दिमाग में चल रहा होता है, इसमें साजिशें भी हैं, जिसमें झूठ भी है, जिसमें प्यार भी है, इन सबका एक पूरा कॉम्बिनेशन है जो एक खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ता है, और लास्ट में जाके आपको लगता है कहाँ की बात करते हैं, कौन कौन है इसमें? किरण चारिया जी हैं जो गुजरात की एक अच्छी मानी जाती हैं अभिनेत्री, और आर जे विक्रम हैं रोजी जी के जो काफ़ी फेमस आर जे हैं, और लीड में एक और लड़की है उसको मैंने काम किया है। कहाँ से ख्याल आया इस फिल्म का नाम ये फिल्म विला रखना चाहिए? फिल्म विला इसलिए ख्याल आया क्योंकि जो कुछ घटना घट रही है वो एक विला के अंदर भी घट रही है। वो विला हमने देहरादून और मसूरी के बीच में एक जगह पर घूमा था,
तो इसलिए उसका नाम आया हिलजू विला, वहाँ से हिल बहुत अच्छी दिखाई सकती है। दिस इज द एंटायर स्टोरी इज गोइंग इनसाइड द विला। बात करें म्यूजिक की, कितने गाने हैं, कितने सारे गाने हैं गाने फिल्म में? सर टोटल 6 नंबर्स हैं, जिनमें से 2 स्टैंडर्ड साइज के हैं, 2 शॉर्ट, 4 गाने शॉर्ट स्टोरीज हैं बस, जो बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर जो है फिल्म को हेल्प कर रहे हैं। कुछ इस कदर छा गई तेरे इश्क की खुमारियाँ, एक लम्हा भी तेरे बिन अब जीना है दुश्वारियाँ, तुझे आँखों से छू भर लिया, तुझे दिल में जैसे जी लिया, तेरी यादों से नाटे जहन, तूने कैसा जादू किया, तूने कैसा जादू किया, ओ मूवी में मेरा नाम है काम्या और मैं दिल्ली से आई हूँ और पीजी एज ए पी जी उनके घर में रुकती हूँ, जो हमारे यहाँ सेकेंड कैरेक्टर हैं किरण जी, उनके यहाँ मैं रुकती हूँ एज ए पी जी। और उसके बाद धीरे धीरे स्टोरी बढ़ती रहती है आगे, या शुरू में तो एक ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल, लेकिन लास्ट होते हुए उसमें काफ़ी मिस्ट्री है, मर्डर है, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद लोकल ड्यूज और फोर्स्टार? वेरी गुड, फैंटास्टिक, वी ऑल आर लाइक वी आर ऑल फैमिली। ये आपकी सेकेंड फिल्म है तो कुछ थोड़ा एलैबोरेट करना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस रहा सर से, क्या सीखने को मिला आपको? सर से सब कुछ सीखने को मिला सर, ने बहुत अच्छे से ट्रीट करा, बहुत सिखाया, हम सब ने मिलकर बहुत हार्ड वर्क करा है काफ़ी, कितना हार्ड सर, 12-12 घंटे तक करा है। तो जैसे कि ट्रांसजेंडर के ऊपर लेस्बियन है और लेस्बियन भी एक एस्पेक्ट है, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द लेस्बियन, ओके, एक एस्पेक्ट। आप क्या कहना चाहेंगे मूवी को लेकर, के बारे में क्या बात है? ब्रीफिंग मूवी काफ़ी अच्छी है, लोकेशंस काफ़ी खूबसूरत है वहाँ पे, जिस तरीके से मेकिंग की गई है काफ़ी अच्छा एस्पेक्ट निकल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाकी फिल्म मेकिंग वाइज काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी फिल्म, कुछ नया देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पे शूट किया है शूटिंग? देहरादून सिनेमा घर में तब तक आने की 6 जुलाई।